Hello, friends. वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है ऑफ़ स्टडीज़ उसकी समरी देखेंगे तो चलिए इस ऐसे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ऑफ स्टडीज इज़ एन ऐसे राइटन बाय फ्रांसिस बेकन ये ऐसे फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है ए रिनोवनेट इंग्लिश फिलोसोफर एंड स्टेट्स इन द लेट सिक्सटीन सेंचुरी जो सोलहवीं शताब्दी में जाने माने फिलोसोफर थे इन दिस ऐसे बेकन डिस्क्राइब्स द बेनिफिट्स एंड परपोज

डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिस्कसेस देर बेनिफिट ये ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ने के मेथड बताता है और उनके बेनिफिट को डिस्कस करता है तो चलिए इसकी समरी देखते हैं फ्रेंड्स हमने इसकी सम्मरी को सात से आठ पॉइंट के बीच में बांटा है तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं पहला पॉइंट है थ्री इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ स्टडीज स्टडीज़ के तीन इम्पोर्टेंट यूज़ क्या है फ्रांसिस बेकन डिस्क्राइब्स द थ्री बेनिफिशियल परपोजेज ऑफ स्टडीज पहला यूज है डिलाइट सेकेंड है ऑर्नामेंट एंड थर्ड है एबिलिटी द फर्स्ट यूटिलिटी इज रीडिंग डिलाइट्स पढ़ाई की पहली उपयोगिता है आनंद द रीडर रीडिंग इन प्राइवेटनेस इज़ वर्द वाइल्ड जब कोई रीडर प्राइवेटली पढ़ता है तो वह वर्द वाइल्ड यानी योग्य होती है बिकॉज इट प्रोवाइड्स यूज प्लेजर क्योंकि एकांत में पढ़ना अत्यधिक आनंद देता है द सेकेंड पर्पज़ इज इट एड्स ओरनामेंट टू डायलॉग सेकेंड उद्देश्य है कि यह डायलॉग या फिर परिवर्चनों में ओरनामेंट यानी अलंकार को जोड़ता है स्टडीज़ हेल्प ए वेल रीड परसन टू प्रजेंट हिज़ नॉलेज मोर इफ़ीसिएटली देन एन एवरेज पर्सन एवरेज पर्सन की तुलना में जो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति होता है वह अपने नॉलेज को अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रजेंट करता है बेकन हैवेली यूजेज लेटिन फ्रेजेज इन हीज ऐसेज बेकन यूजेज इट फॉर ऑर्नामेंट इन हिज़ राइटिंग बेकन ने अपने ऐसे में लेटिन फ्रेजेज को ज़्यादा यूज़ किया है ताकि वह लिखावट को अलंकृत कर सके स्टडीज़ ऑल्सो इम्प्रूव द जजमेंट एबिलिटी ऑफ द रीडर एंड द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स स्टडी रीडर्स के जजमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करती है और उन्हें चीज़ों को सुव्यवस्थित रखने के तरीके सिखाती है आगे बेकन कहते हैं वन कैन बी एन एक्सपर्ट विदाउट स्टडीज हाउ एवर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट एंड अ लर्नेड मैन बेकन कहते हैं कि एक व्यक्ति बिना स्टडी के भी एक्सपर्ट हो सकता है फिर भी एक एक्सपर्ट और पढ़े लिखे व्यक्ति में अंतर होता है एन एक्सपर्ट कैन एग्जीक्यूट हिज प्लान एंड इवन जज अ सिचुएशन कि जो एक्सपर्ट होता है वह अपने प्लान को चला लेता है और कोई भी सिचुएशन को जज कर लेता है बट ए लर्नेड मैन कैन परफॉर्म बेटर बाई गिविंग एडवाइस मेकिंग प्लान्स एंड मैनेजिंग थिंग्स लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अच्छा परफॉर्मर होता है वह अच्छी तरीके से एडवाइस दे सकता है और उसे चीजों को मैनेज करना आता है देयर फॉर अ लर्नेड मैन इज बेटर देन एन एक्सपर्ट बेकन ने एक्सपर्ट की तुलना में लर्नेड मैन को ज्यादा बेटर बताया है सेकेंड पॉइंट है द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव स्टडीज़ कि ज़्यादा पढ़ाई के रीडर्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं बेकन सेज दैट टू मच स्टडी इज डेंजरस कि ज़्यादा पढ़ना स्वास्थ्य के लिए डेंजरस है एक्सेसिव रीडिंग शोज मोशनलेस लाइफ स्टाइल कि जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ता है उसकी लाइफ स्टाइल गतिहीन हो जाती है ए रीडर सीट्स फॉर लॉन्ग द इमोबिलिटी मैक्स द बॉडी स्लगिश जो रीडर्स ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो गतिहीनता उनकी बॉडी को शलगी यानी आलसी बना देती है एडिंग टू मैनी ऑर्नामेंट्स टू वर्ड्स मैक्स द लैंग्वेज डिफिकल्ट और शब्दों के साथ ज़्यादा अलंकार का प्रयोग करने से लैंग्वेज भी डिफिकल्ट हो जाती है एक्सेसिव यूज़ ऑफ ओरनामेंट्स मैक्स स्कॉलर लुक्स प्रिटेंटियस ज़्यादा ऑर्नामेंट का यूज़ एक विद्वान को दिखावटी दिखाता है जजिंग बेस्ड ऑन बुकिस नॉलेज मैक्स अ लर्नेड मैन ह्यूमर और जो व्यक्ति बुक के नॉलेज के हिसाब से हर चीज़ को जज करता है वह वे व्यक्ति हास्य का पात्र बन जाता है द रीडर मस्ट बी एबल टू डिफ्रेंसीेशन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेकन कहते हैं कि एक रीडर को थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस करना आना चाहिए वाइल जजिंग जब वो किसी दूसरे को जज करते हैं ए लर्नर मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टडिंग एंड अदर ओरनामेंट एंड एग्रीमेंट एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेकन कहते हैं कि एक रीडर को स्टडी में ऑर्नामेंट में एग्रीमेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल में बैलेंस करना आना चाहिए बेकन सेज दैट स्टडीज़ होन ह्यूमन नेचर एंड एक्सपीरियंस परफेक्ट इट कि अध्ययन मनुष्य की प्रकृति को तराशते हैं होन करते हैं और एक्सपीरियंस उनको परफेक्ट बनाते हैं थर्ड पॉइंट है व्यूज ऑफ स्टडीज बेकन इसमें बताते हैं कि लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं स्टडी को देखने के बेकन कहते हैं स्टडी बेनिफिट अ रीडर इन डाइवर्स वेज कि स्टडी अलग अलग तरीक़ों से रीडर को बेनिफिट देती है हाउ एवर नोट ऑल मैन एडमायर इट फिर भी ज़्यादातर लोग इसको एडमायर यानी इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल क्राफ्टी मैन इंसल्ट स्टडीज़ कि जो व्यक्ति क्राफ्टी होते हैं वो स्टडी की इंसल्ट करते हैं सिंपल मैन एडमायर स्टडीज़ और सिंपल मैन इसकी प्रशंसा करते हैं वाइस मैन टेक बेस्ट आउट ऑफ देयर स्टडीज़ एंड यूजिंग थियोरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं बेकन इम्फेसाइज दैट हैविंग बुकिश नॉलेज इज़ नॉट इनफ आर इन थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीट ओनली वेन वी यूज़ इट इन रियल लाइफ बेकन कहते हैं कि सिर्फ़ किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है जब तक हम इस किताबी ज्ञान को अपनी रियल लाइफ में नहीं उतारते हैं तब तक ये कंप्लीट नहीं होता है रियल मेथड ऑफ स्टडीज़ बेकन हमें स्टडी करने के रियल तरीके को बताते हैं बेकन सेज दैट वन शुड नोट रीड टू प्रूव अदर्स रोंग कि कभी भी दूसरे को गलत साबित करने के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए द रीडर लुक्स फॉर पॉइंट्स दैट ही कैन यूज़ इन इन एन आर्ग्यूमेंट कि रीडर सिर्फ उन पॉइंट को देखता है ताकि वो दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर सके वाइल रीडिंग विद दिस मोटिव द रीडर लोसेस वोट द बुक ऑफर्स जब वह इस उद्देश्य के साथ पढ़ता है कि दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर सके दूसरे को गलत साबित कर सके तो वह उस किताब के महत्वपूर्ण हिस्से से वंचित रह जाता है द रीडर मस्ट नोट ऑल्सो बिलीव वॉट द बुक सेज और रीडर को हमेशा जो बुक कहती है उन बातों पर सिर्फ विश्वास नहीं करना चाहिए दिस अप्रोच इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग हिज माइंड क्योंकि जब रीडर सिर्फ किताबी ज्ञान पर विश्वास करेगा तो वह अपने माइंड का यूज़ नहीं कर सकेगा द रीडर डज नॉट एक्सेप्ट आब्जॉर्ब द नॉलेज थियोरेटिकली और वह सिर्फ थियोरेटिकली नॉलेज ही पा सकेगा और उसको प्रैक्टिकली कभी भी अपने लाइफ में नहीं उतार पाएगा ए रीडर शुड नाट ऑल्सो रीड जस्ट फॉर डायलॉग और कभी भी रीडर को सिर्फ डायलॉग बाजी के लिए या फिर भाषण बाजी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कॉन्ट्रेरी टू दीज अप्रोजेज अ रीडर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज और एग्रीमेंट्स ऑफ द राइटर इसके विपरीत रीडर्स को उस किताब के मैसेज को समझना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है नॉट एवरी बुक इज सेम कि सभी किताबें एक जैसी नहीं होती बेकन सेज दैट वी नीड टू रीड सम बुक्स पार्शियली हमें कुछ किताबें आंशिक रूप से पढ़नी होती है वी नीड टू रीड सम अदर बुक्स प्लेनली और कुछ किताबें स्पष्ट रूप से पढ़नी होती है दे आर नेसेसरी फॉर मेमोराइज ताकि हम उसे याद रख सकें सो दैट वी कैन यूज़ इन रियल लाइफ और उसका रियल लाइफ में यूज़ कर सकें and there are only a few books that need our complete attention और थोड़ी बहुत किताबें होती हैं जिन्हें हमें पूरे attention के साथ पढ़ना होता है Bacon also suggests that we can summarize of an important books which has no significance for later use और जिन किताबों का बाद में महत्व नहीं होता है उनको सिर्फ हमें summary के तौर पर पढ़ना चाहिए नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज़ बेकन ऑल्सो डिस्कसेस द इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग डिस्कसन एंड राइटिंग। रीडिंग प्रोवाइड्स अ रीडर विद नॉलेज की पढ़ने से रीडर के नॉलेज में वृद्धि होती है नॉलेज इंक्रीजेज बाय रीडिंग वन बुक आफ्टर एन उदर जब एक के बाद हम दूसरी किताब पढ़ते हैं कंटिन्यू पढ़ते हैं तो नॉलेज में वृद्धि होती जाती है लाइक रीडिंग कंटिन्यूस इंगेजमेंट इन द डिस्कसन मेक्स अ वेल रीड पर्सन गुड एट द डिस और इसी प्रकार जब व्यक्ति कंटिन्यू किसी चीज पर डिस्कस करता है तो वह डिस्करेज यानी भाषण देने में भी अच्छा हो जाता है फर्दर मोर इफ़ द रीडर नोट्स डाउन हिज थाट और ओपिनियन ऑन अ बुक ही कैन रिविजिट दैम लेटर विदाउट प्रेशरिंग द मेमोरी यदि रीडर अपने ओपिनियन और थाट को नोट डाउन करता है तो बाद में वह उसे कभी भी देख सकता है उसके लिए उसे अपनी मेमोरी पर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती है इफ़ वन डज़ नॉट डू एनी ऑफ दैम ही नीड्स टू प्रिटेंड टू नो थिंग्स और यदि वह इनमें से कोई भी चीज़ को नहीं अपनाता तो उसे ऐसा दिखावा करना चाहिए जैसे कि वह सब कुछ जानता हो इफ़ ही रीड्स लिटिल और इफ़ अ पर्सन डज नोट राइट मच ही नीड्स टू हैव सिग्निफिशेंट मेमोरी और यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा नहीं पढ़ पाता और ज़्यादा लिख नहीं पाता है तो इसके लिए उसकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए तेज़ होनी चाहिए नेक्स्ट है डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं फ्रांसिस बेकन मेंशंस डैट फॉर अ डिस्ट्रेक्टेड माइंड मैथमेटिक्स वुड बी फिट टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन कि यदि कोई का माइंड डिस्ट्रैक्टेड है तो उसे मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए ताकि वह कंसंट्रेट करने में इम्प्रूव कर सके वाइल डूइंग मैथमेटिक्स वी नीड टू फोकस जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें फोकस की ज़रूरत होती है इफ़ द माइंड फाइंड्स इट हार्ड टू डिफ्रेंशन बिटवीन मैटर्स दैन स्टडिंग द फिलोसोफर्स एंड द थियोलॉजिशियन वुड बी बेनिफिशियल और यदि माइंड किसी भी चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पाता तो उसको फिलोसोफ़ी और थियोलॉजी पढ़नी चाहिए ताकि वह मैटर्स में डिफरेंस कर सके स्टडिंग लॉयर्स केसेज वुड बी द राइट थिंग टू डू इफ़ वन वॉन्ट्स टू इम्प्रूव देर रीजनिंग स्किल और जो व्यक्ति अपनी तार्किक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं उनको लॉयर्स से रिलेटेड उनके केस से रिलेटेड स्टडी करनी चाहिए सो फॉर सच फ्लोज ऑफ माइंड रीडिंग हैज़ द सोल्यूशन और इस तरीके से जो हमारे दिमाग का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है रीडिंग एंड लास्ट इसकी थीम है द मेन थीम इज़ बेनिफिट्स ऑफ स्टडी कि अध्ययन के क्या क्या लाभ होते हैं रीडिंग हेल्प्स रीडर्स टू कोप विद डाइवर्स सिचुएशन कोप का मतलब होता है सामना करना रीडर्स को विभिन्न सिचुएशनों का सामना करने में रीडिंग मदद करती है रीडिंग ऑल्सो इन्स इंटेलेक्ट एंड क्योर्स हार्ट्स ने ऑन द माइंड्स ऑफ रीडर्स रीडिंग रीडर्स के इंटेलेक्ट को बढ़ाती है और उसके दिमाग की हार्ट्स हार्सनेस का इलाज करती है